Uh, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके बीच में वापस आने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ और आज का आज का जो हमारा टॉपिक है दैट से इस फोकस ऑन इंपेरेटिव या कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है uh, हम सब मसीही हैं हम जानते हैं कि आज जब हम जिस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मसीहत से जुड़ा हुआ होगा इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रिलेटेड विथ क्रिस्टियनिटी गॉड क्राइस्ट एक्सेट्रा अब हम इंसान कैसे ये जाने सबसे पहली बात तो या हमारे अंदर ऐसे औकात क्या है कि हम परमेश्वर को क्या इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में समझें देखिए अगर एक उदाहरण देना चाहूँ तो मैं इस तरह दे सकता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द चीटियाँ घूमती हैं हमारे इर्द गिर्द कुछ जानवर घूमते हैं अब हमारे जिंदगी में क्या जरूरी है उसके बारे में उस जानवर को क्या आइडिया है सच मानो तो उसे पता ही नहीं है कि वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी क्योंकि मेरा मेरा लाइफ और और मेरी इच्छाएं डिजायर्स डिफरेंट है। भले ही वो पालतू जानवर क्यों ना हो सो हाउ कैन ह्यूमन बींग लाइक यू एंड मी आप के और मेरे जैसे इंसान जो इस संसार में जीते हैं जो ना के बराबर है सच मानो तो हमारा कोई इतना मूल्य भी नहीं है पूरे संसार में ठीक है हमारे बीच में बहुत सारे नेताएं हैं और इत्यादि बड़े बड़े लोग हैं संसार में हम तो उनके समान भी नहीं है तो हम जैसे लोग इस प्रकार कैसे जाने के परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसके हिसाब से हम कैसे हमारी जिंदगी को बिताए तो बेसिकली वी एक्चुअली कैनोट डू इट सो लेटेस्ट टर्न टू दीपी टी दर प्रिपेयर हम वो पीपीटी में आएंगे और हम उसे देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम इस संसार में और हम इस जीवन को जब जीते हैं तो क्या सारी चीजों को महत्वपूर्ण समझना है जैसे हम सब जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं है ना क्या हम इस दुनिया में रहते हैं आपके स्क्रीन में बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई भी आ भी गई होगी हम इस दुनिया में रहते हैं हम इस हम, हम पूरे इस विश्व को एक परिवार समझते हैं इस संसार में जीते वक्त हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं पिछले साल जो है हम कोरोना से जूझ रहे थे तो आप कोई भी आ, समस्या जब बोलता है तो हम सबके मन में एक ही शब्द आता है वो है कोरोना है ना वो कोरोना का समस्या सबके जीवन को तहेज नहस कर दिया और बहुत सारे समस्याएं लेकर आए बट सच मानो तो सिर्फ कोरोना एक समस्या नहीं है हमारे बीच में हमारे हमारे देश में हमारी दुनिया में, में बहुत सारी समस्याएँ धार्मिक समस्याएं हैं लोग धर्म के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं धन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं पैसे से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स हर किसी के जिंदगी में हो सकता है जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है अभी फिलहाल ही आपने सुना होगा इलोन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान के द, मतलब नाम पे घोषित किया गया और आपने सुना होगा मुकेश अंबानी जो है वो उस सूची से नीचे चले गए हैं तो सबका अपना ही दौड़ दाड़ है लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं पैसे के लिए ताकि वो पोजीशंस हैंडल कर सके बेचारे जो गरीब हैं वो दो वक्त की रोटी के लिए पैसे के लिए लड़ रहे हैं तो समस्या हर किसी के जीवन में है इस दुनिया में संस्कृति से जुड़ा हुआ समस्या है मेरी संस्कृति को आपने हानि पहुंचाया मेरी संस्कृति लुप्त हो रही है और इत्यादि जो समस्याएं हैं ठीक है, है? इससे बहुत सारे तकलीफें अलग ही लेवल पे चल रही हैं फिर आता है परंपराओं से जुड़ा हुआ समस्याएं परंपराओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है या ठेस पहुंचने पर आने वाली समस्या ये सारी अलग ही लेवल पे दूसरा चल रहा है देखा जाए तो तनाव जो है हर किसी के जीवन में है और जब ये तनाव की बात हम करते हैं वो या तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हो सकता है बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे हो सकता है जिसके बारे में इंसान को कोई ज्ञान ही नहीं है ठीक है हम जिंदगी में पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे तनाव ले चुके हैं जिसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है हमें ठीक है हमने ले लिया मा, मान लो कि लाइक यू नो बारिश गिरेगा या नहीं इसकी वजह से भी हमारे जीवन में तनाव हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट हो रहा है उसे हम माइक्रोस्ट्रेस कहते हैं फिर दूसरे होते हैं माइक्रोस्ट्रेस जो बड़े बड़े तनाव है जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जो हमें अः स्ट्रेस में डालते हैं हम ऐसे एक दुनिया में जीते हैं है ना दुनिया बड़ा सुंदर है दुनिया बड़ा प्यारा है ये सब हम बहुत जानते हैं हम सच और सच सच भी बात है परमेश्वर ने इसे बनाया है तो बहुत सुंदर बनाया है बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दुनिया में अब रहते हैं जहां पर यही सब कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप जनरल न्यूज खोल कर देख लीजिए लोग मर रहे हैं पिट रहे हैं चिल्ला रहे हैं अपने हक के लिए कहीं पर बलात्कार हो रहा है कहीं पर कुछ अन्याय हो रहा है शांति कहाँ पर है शांति कहीं भी नहीं है जब हम एक एक उदाहरण देखें मान लीजिए आपके घर पर आप कुछ खरीद के लेकर आ रहे हैं जैसे एक माइक्रोवेव ओवन या एक कैमरा आप आपने कुछ खरीद लिया मानो वो किस उद्देश्य के साथ आप खरीदते हो इसी उद्देश्य के साथ खरीदते हो ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सके जैसे आपने एक ओवन खरीदा तो आपका उद्देश्य है कि उसमें अच्छा खाना आप खा सके जब खाना ठंडा हो तो उसे गर्म कर सके इत्यादि चीजें आप कर सके परंतु जब वो खाना गर्म करने के लिए उसके अंदर आग की जरूरत नहीं होती पर अगर उसके अंदर आग जलने लगे या शॉर्ट सर्किट होने लगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है भाई ये वो काम तो नहीं कर रहा है जिसके लिए मैंने इसको खरीदा था तो प्रॉब्लम देना शुरू करता है आप चेक करते हो कि भाई मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया ना इसके साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर आप उसका मैनुअल पढ़ोगे तो वो लोग कहते हैं उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके लिए ही गारंटी वारंटी मिलेगा उसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं मिलता है ना अगर आपने कुछ कर दिया उसके अंदर आपने पानी डाल दिया या आपके द्वारा कुछ गलती हो गई तो उसके लिए फिर वो लोग फ्री सर्विस नहीं देते तो जब भी आप कुछ खरीद के लाते हो तो उसका एक तरीका रहता है इस्तेमाल करने का इस दुनिया में जहां पर शांति नहीं है जरूर यह शांति के लिए बनाया गया था जब आदम और हवा को प्रभु ने बनाया था उनको एक बड़े ही शांत जगह पर रखा था बिल्कुल ही प्यारे जगह पर धीरे 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 जैसे समय बीतता गया पाप का आना इंसान का उस पवित्र स्थान से उसका पतन और इत्यादि विषयों के वजह से समय गुजरता गया और ये शांति और ये समाधान जो है एक इंसान के जीवन में जो होना चाहिए या संतुष्टि कह लो सेटिस्फैक्शन कह लो पीस सेटिस्फैक्शन ये सारी चीजें जो है ना वो लुफ्त होने लगी धीरे धीरे जाने लगी आज जब हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं कॉलेज में रहते हैं घर चलाते हैं भले वो पति हो पत्नी हो पिता हो माता हो बेटा हो बेटी हो हम कोई भी रोल में क्यों ना हो हमारा जीवन अशांत है, है भले वो विश्वासी हो या विश्वासी हो विश्वासियों को एक एड ऑन पॉइंट यह है कि हमारे पास प्रार्थना करने का एक तरीका है हमारे पास एक बेनिफिट है हम परमेश्वर से हमारी विषयों को बांट सकते हैं जो विकसित देश है वहाँ पर बहुत चलन है कि जब उनको समस्याएं होती हैं वो काउंसिलर्स के पास जा सकते हैं वो जाकर अपने जो मन के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे बांट सकते हैं वेंट आउट कर सकते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है इंडिया में इतना ज़्यादा वो एक ट्रेंड नहीं है या एक माना गया तरीका नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर नॉट इन पीस वी लीव इन अ वर्ल्ड हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां पर शांति जो है अब ना के बराबर है so, let's check what are the और समस्या निवारण करना कैसा है? You know, पहले जैसे मैं आपको याद दिला रहा था हमारे पास ऐसा क्या हक है या हमारे पास हमारी औकात क्या है शायद वो शब्द भी बिल्कुल सही है हमारी औकात क्या है कि हम परमेश्वर के के बारे में जाने या परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में समझ सके क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे सामने वो चीटी होगा वो आपके जीवन के समस्याओं को पहचानता ही नहीं है राइट वो आपके समस्या को जानता ही नहीं है आपके जीवन में होगा कि कल शाम तक मुझे पांच हजार रुपए इस बंदे को देना है वो चीटी क्या जानता है आपके समस्या वो अपने ही धुन में है तो पर आपकी इच्छाएं होगी कि आपके जीवन में आपको ये खरीदना है ये पड़ाव में पहुंचना है वो चीटी को क्या ही पता उसके बारे में वैसे ही जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर का अपना ही एक अलग लेवल लेवल है उन्हें कुछ चाहिए नहीं होगा कि नो ये खरीदना है वो खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं होगा बट उनका एक अलग लेवल है उस लेवल के बारे में जानना उस लेवल के बारे में समझना ये आप इसके बारे में ही सोचकर देखिए कि उस लेवल के बारे में जानना ही कितनी बड़ी बात है तो इसलिए आज हम परमेश्वर के कही हुई कुछ बातों को ही करें लेंगे हम प्रभु यीशु मसीह जो उनके पुत्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो एकलौते पुत्र हैं पिता परमेश्वर के उनके कुछ शब्दों को ही लेकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझो जिस प्रकार अभी हम कह रहे थे कैन वी एक्चुअली फोकस इवन हमारा हमारा टाइटल क्या है आज के पढ़ाई का फोकस ऑन द इम्पेटिव क्या हम उसको ध्यान द्या, भी लगा सकते हैं ना इफ द क्वेश्चन कैन बी फोकस ध्यान केंद्रित भी क्या हम कर सकते हैं तो मैं इस तरह आपके सामने इस वचन को रखना चाहता हूँ इस, इस शब्द को रखना चाहता हूँ इस सेंटेंस को रखना चाहता हूँ एज अ डीड वी कैन फोकस एक क्रिया के रूप में अगर हम उसे ले कि भाई हमें फोकस करना है तो हम कर सकते हैं But if you take it as a ability, we cannot. Are we able to focus? No. You as a work can we focus? Yes. When we speak about the deed, जब हम उसे क्रिया के समान देखते हैं हम कर सकते हैं देखिए आप सब आपके स्कूल के दिनों में कॉलेज के दिनों में टाइम टेबल बनाते होंगे क्या 100% परसेंट हमेशा वो टाइम टेबल फॉलो होता था नहीं होता था बिकॉज यू वॉन्ट टू Like, you know, आप करते भी होंगे उसके अंदर चलो दस से बजे मैं केमिस्ट्री पढूंगा भी लेते होंगे नहीं होता हम हर दिन हमारे जिंदगी को इसी तरीके से प्लान करते हैं वी लॉट ऑफ थिंग्स और हम उसके हिसाब से काम भी करना शुरू करते हैं बट आर वी एबल टू गेट इन टू दैट शेड्यूल प्रॉपरली क्या हम उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं उससे सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं नहीं सो so, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं या हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे लेवल के ऊपर की चीजें हैं, एक इंसान के लेवल के ऊपर की चीजें तो क्या हम एक सवाल और पूछें क्या इसका मतलब यह है कि हम ये नहीं कर सकते तो जवाब है बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि यूहना उसका पंद्रह और उसका सात यहां पर मैंने लिखा नहीं है वो पर मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे अगर मेरी आज्ञा है तुम में और तुम मुझ में वास कर रहे हो तो जो कुछ तुम मांगो वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा तो आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरी विनती बस इतनी है अब जहां कहीं पर भी हो कुछ शायद हो सकते हैं आपके काम के जगह पर ही सुन रहे हो कुछ घर पे बैठ के सुन रहे हो आप जहाँ कहीं पर भी हो ध्यान ध्यान से जो ध्यान लगा नहीं सकते उस ध्यान के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम चंद वचनों को सुनेंगे जो जो भाग हम देखने जा रहे हैं वो दो भाग में डिवाइडेड है जो दो भाग में विभाजित है पहला भाग ये है कंडीशन ऑफ द हार्ट ऑफ और बिलीवर बेसिकली एक हृदय की स्थिति बताता है और दूसरा द रिलेशनशिप ऑफ दैट हार्ट विद द लॉर्ड प्रभु के साथ उसी दिल का रिश्ता उसके बारे में बाकी का भाग जो है वो बताता है चंद पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसलिए हम बहुत ज्यादा समय एक एक के ऊपर ताकि सके, सके और तरह रिलेट करता है उसके बारे में जान सके पहला है इनसाइट दूसरा है अंडरस्टैंडिंग सीरियसनेस ऑफ योर सिंह नेक्स्ट इज जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट डिजायर to study the word of God. Fifth is mercy. And we are not talking about sacrifice. Be very clear. Next is purity of the heart. Then we have sharing gospel. And then we have dying for Christ or persecution in relation with Christ. Ye kuch आठ चीजें हैं जो आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा उसका हिंदी भाषांतर भी आपके सामने अब है अंतरदृष्टि या खुद के भीतर देखना कि आप कितने दूध का दूध कितना पानी का पानी है उसके बाद अगर हम देखें अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ योर सिन अपने पाप की गंभीरता को समझना जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट हैव डिजायर टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड या शास्त्र पढ़ने की इच्छा देन वी हैव दया उसके बाद मर्सी के बारे में हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ द हार्ट दैट इज पवित्रता हृदय की पवित्रता के बारे में हम देखते हैं फिर देखते हैं सुसमाचार का फैलाना या सुसमाचार का बताना और फिर हम देखते हैं यीशु के लिए उत्पीड़न या यीशु के लिए समस्याओं का सामना करना परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए तो ये कुछ चीजें हैं और आपको ये एरो भी दिख रहा होगा एरो के बारे में हम आखिर में देखेंगे क्यों ये एरो इसी तरीके से दिया गया है ठीक है तो उसके बारे में आखिर में देखेंगे तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा इसे दो में विभाजित किया गया है ठीक है दिस दिस होल टॉपिक टॉपिक इज अ काइंड ऑफ स्टडी इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई की तरह हम इसे देखेंगे तो इसे दो भाग में डिवाइड किया है हमने तो दो भाग में डिवाइड किया है उसका मतलब क्या है पहला क्या है द कंडीशन ऑफ द हार्ट इफ यू सी अंतर्दृष्टि पहला जो इनसाइट है अपने पाप को समझने का जो एक क्रिया है प्रोसेस है अपने टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द द द द द प्रोसेस ऑफ 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 इट एंड देन देन वी वी सी स्पिरिट हैव डिजायर टू स्टडी वर्ड गॉड ये सारी बातें जो है सारे विषय जो है ये सब कुछ हृदय के स्थिति को बताता है ये सारे शब्दों को जब मैं ले रहा हूं जरा इमेजिन करिए और खुद को उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करें दूसरों को ना सोचे अपने आप को सोचे फिर जो आता है दया पवित्रता हृदय का पवित्र शास्त्र का बांटना या सुसमाचार का बांटना और उसके बाद आते हैं परमेश्वर के लिए पीड़ा को सहना ये सभी विषय जो है ये हमारे हृदय की स्थिति को दिखाता है परमेश्वर के साथ देखिए परमेश्वर के लिए एक एक छोटा सा वाक्या कहकर मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं परमेश्वर के लिए पीड़ा कौन सहेगा अगर सच मानो तो हु बेयर परसिक्यूशन फॉर लॉर्ड ठीक है वो तो कभी नहीं सहेगा ना जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो तो परमेश्वर वो कोई आके कहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो ये कैसे हो तुम मसीही हो चलो इस तुमे, तुम्हें मार खाना जरूरी है तुम परमेश्वर को दित्कार कर बोलो और जो है वो सामने वाला इंसान दित्केगा कब तब जब उसे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई जानकारी होगी ही नहीं या कोई रिश्ता ही नहीं होगा देखिए तो ये बताता है हमारा हृदय का स्थिति परमेश्वर के प्रति तो ये पहला जो चार है वो हमारे हृदय की स्थिति को बताता है आखिरी जो चार है वो बताता है कि इस हृदय की स्थिति को परमेश्वर के साथ का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है तो हम सबसे पहले इनसाइट में जाएंगे इनसाइट क्या है अंतर्दृष्टि हम जल्दी से ये सारे पॉइंट्स को जरा कवर कर लेंगे ताकि हम समझ सके कि एक्चुअली हमें किन चीजों पे ध्यान लगाना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है सो वेन वी स्पीक अबाउट अंतरदृष्टि इन साइट वॉट डज इट मीन सबसे पहले उसका मतलब क्या है अंतरदृष्टि का मतलब क्या है इट इज सिंपल इट इज वेरी सिंपल बेसिकली हम उस समय पर खुद का इनसाइट अच्छा है कहते हैं जब हमारी कमियों को हम समझते हैं आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा आपके स्कूल के कॉलेज में या काम करने के जगह पे हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं अरे यार ये बड़ा बड़े डिंगे मारता है बड़ा ही फेंकता है अब उनको उनके बारे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जितना उसका ज्ञान है वो जितना उसका गुण है उससे ज्यादा वो खुद को बता रहा है अब क्या खुशी मिल रही होगी उसको ऐसा बोलने से वो तभी ही ऐसा बता रहा होगा ना जब ये विश्वास करता है कि मैं ऐसा हूं सही बात है कि नहीं तो वो जानता है या वो समझता है इस बात को या वो इस तरीके से वो एक विश्वास में है कि मैं कुछ हूं हद से ज्यादा हूं या मैं तो परफेक्ट हूं उसके अंदर उसका अंतर्दृष्टि सही नहीं है क्योंकि बाहर जो लोग उसे देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि भाई इसके अंदर कमियां तो है बट ये पहचान नहीं पा रहा है हम कई बार इन लोगों को इमेच्योर कहते हैं और कई बार इस तरीके से उनको नाम लेकर उनको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं ध्यान दीजिएगा आपके साथ और मेरे साथ ऐसा कोई ना करे क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कमियां क्या है बिकॉज जब हम समझते हैं परमेश्वर को या पढ़ते हैं परमेश्वर को वी नीड टू नो दैट अवेयरनेस ऑफ गॉड इज एवरीथिंग एक्चुअली सी फोकसिंग ऑन सेल्फ इज नॉट एवरीथिंग जब हम खुद को फोकस करते हैं वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कमी और घटी क्या है कई बार हमें वो गुण होता है समझने का कई बार हमें नहीं होता है बट एक इंसान जब परमेश्वर को जानना शुरू करता है तभी सभी चीजों को समझने की कोशिश करता है सी वेन बी स्टडी जेनेसिस वन टू एंड थ्री जब हम उत्पत्ति एक दो और तीन पढ़ते हैं वहां पर हम जब इंसान पाप करता है हम इस तरह पढ़ते हैं कि आदम ने पाप किया आदम पाप के बारे में शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में शायद जानकारी नहीं रखता था कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में प्रभु ने परमेश्वर ने फिर भी उन्हें एक वाक्य कहा था कि जिस दिन तुम ये खाओगे इस फल से खाओगे उस दिन तुम्हें सही और गलत का जानकारी ज्ञान हो जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी उसे पता था बट उसे पाप के बारे में जानकारी तो जरूर था उसे मालूम था भले ही इंटेंसिटी बिल्कुल कम था बट जानता था कि सही और गलत क्या है उसे क्या करना चाहिए उसे क्या नहीं करना चाहिए He knew that. और जब उसने पाप किया हम देखते हैं कि उसने तुरंत पत्तों का जो कपड़ा है वो बनाकर खुद को ओढ़ लिया यू नो वाई डिड यू डू दैट ही अवेयर अबाउट द सि न्यू द सिन समे वो पाप के बारे में जानता तो था बट आजकल हम जैसे पाप के बारे में जानते हैं शायद वैसे नहीं जानता था बट ही न्यू द गॉड वो परमेश्वर को जानता था ना जब प्रभु यीशु मसीह शाम को आते हैं वहां पर उस बगीचे में आते हैं और उनसे पूछते हैं आदम तो कहाँ है पता है उसका जवाब क्या है मैंने पाप किया ये उसने फिर प्रभु का सवाल क्या है तुझसे किसने कहा कि तूने पाप किया ये जानकारी क्योंकि ये जानकारी जिस तरह आज हमारे बीच में है उस तरह आदम और हवा के साथ तो नहीं था ये जानकारी तब इसलिए मिला क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे परमेश्वर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते थे द अवेयरनेस ऑफ गॉड इज एवरीथिंग एंड नोइंग वॉट योर सेल्फ इज इन साइट यू नो द गॉड एंड यू नो एक्चुअली यू एंड वेन यू नो योर सेल्फ एंड वेन यू नो यर गॉड यू एक्चुअली कम टू नो वॉट इज योर स्टेट आपकी स्थिति क्या है आपको समझ में आ जाता है देखिये परमेश्वर का शास्त्र कितना टेक्निकली करेक्ट है ये कहीं पर है नहीं है ये कहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं करता जो उत्पत्ति में जैसा है वही प्रिंसिपल आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है द डे यू नो जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने दूध के दूध हो और पानी के पानी हो आप कितना पानी में डूबे हुए हो आप कितना सही हो और आप कितना गलत हो जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन दैट इज द डे यू विल अंडरस्टैंड यू नीड टू बी हम्बल आपको नम्र बनने का जो जरूरत है आपको समझ में आएगा हु इज द पर्सन हु इज वेरी हम्बल आपके लोकेलिटी में आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल शांत है नम्र है विनम्र है क्यों है वो वाई आर दे हम्बल बिकॉज इफ यू टॉक टू दिस काइंड ऑफ पीपल अगर ऐसे नम्र लोगों से अगर आप बात करें तो उनकी बातों में हमेशा वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल दिखाते हैं जो जो नम्र लोग नहीं है वो कभी नहीं दिखा सकते ये दे दे शो दिस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दे नो देअर सेल्फ क्योंकि उनको पता है कि ये गलतियां होती है यार जिंदगी में तो उस इंसान के साथ भी हो गया होगा तो जब कोई बोलता है किसी का मान लो कि मैं किसी को किसी की बुराई करता हूं और सामने वाला इंसान जो वो नम्र है वो जरूर मुझसे ऐसे ही बात करेगा वो कहेगा मुझसे ठीक है होता है जाने दो अभी क्या कर सकते हैं ही इज हम्बल शायद मैं हम्बल नहीं हूं तो मैं चिल्ला कर बोलूंगा अरे वो पागल है क्या इतना उम्र हो गया उसको समझ में नहीं आता है क्या अब बच्चा थोड़ी रहा है वो क्वान्टिटी ऑफ हम्बलनेस इन द ह्यूमन बींग्स कम वेन यू आर अवेयर अबाउट इंसाइट दैट यू है इनसाइट का क्वालिटी जब बढ़ता है तो हम्बलनेस का क्वॉंटिटी बढ़ जाता है अंतर्दृष्टि का गुण उसका जो गुण जब अच्छा बनने लगता है वो अच्छा बनने लगता है उसका क्वालिटी अच्छा होने लगता है तब हमारी नम्रता का स्तर ऊपर जाता है रोमी उसका छईस में हम क्या पढ़ते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसी मसीह यीशु में अनंत जीवन है सी व्हेन यू अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग इनसाइड यू दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग इनसाइड यू आपके अंदर जो सही और गलत है उसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब वो जानोगे तभी आप परमेश्वर के दिए हुए वचनों को और ज्यादा समझ पाओगे we need to understand that poverty which is inside us हमारे अंदर जो गरीबी है वो वो दरिद्रता है उसे समझना जरूरी है I'm not talking about financial poverty मैं आपको धन संबंधी रूप में जो गरीबी है उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ कह रहा हूँ बट एवरी डे एवरी मिनट एवरी मोमेंट हर क्षण हर पल हर दिन हर हफ्ते हमें ये जांचना जरूरी है कि मैं कहाँ पर खुद को जांचने के लिए छोड़ रहा हूं या लेकिन छूट रहा है मुझसे वेर आई एम लैकिंग टू चेक माई सेल्फ टू एनालाइज माई सेल्फ क्योंकि तभी मुझे सही और गलत का जानकारी मिलेगी एंड दैट इज व्हेन माय इनसाइट विल इंक्रीज नाउ इफ यू डोंट डू दैट अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा वी बी एबल टू नो आर सेल्फ हम खुद को नहीं पहचानेंगे दूसरा है हम खुद को कुछ और समझना शुरू करेंगे जैसे मैं पहले आपको उदाहरण दे रहा था आपके ऑफिस में आपके स्कूल में आपके अम, कॉलेज में ऐसे लोग होंगे जो खुद को बहुत महान समझते होंगे दूसरे शायद नहीं समझते होंगे वो खुद को ही समझते हैं द मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ आप शायद खुद को बहुत ज्यादा पवित्र समझ रहे होंगे जो आप नहीं है देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे साढ़े तैतीस साल हम जानते हैं फिर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे वो डाल रहे थे वो किस डाल रहे थे ताकि वो जान सके कि प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देने वाले हैं। वो खुद को पवित्र समझ रहे थे दे हैड मिस्टेक एन आइडेंटिटी वो खुद को प्रभु यीशु मसीह से ऊंचा समझ रहे थे चलो प्रभु यीशु मसीह से ऊंचा समझो कि नहीं समझो वो दूसरी बात है पर वो जो नहीं है वो खुद को वो वैसा समझ रहे थे वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इफ वी डोंट डू दैट अगर हम ऐसा नहीं करते हम खुद का अंतर्दृष्टि में खुद को जाग कर नहीं देखते हमारा ग्रोथ नहीं होगा एज अ बिलीवर वट डू वी वॉन्ट और वट what should एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ there शुड बी ग्रोथ और हर किसी का ग्रोथ अलग अलग प्रकार का है तो मेरा जैसा ग्रोथ होगा यहाँ पर अभी स्तवन जैसे गीत गा रहे थे स्तवन का ग्रोथ बिल्कुल अलग होगा सोफी है उनका ग्रोथ बिल्कुल अलग होगा मैं सोफी को देखकर खुद को मेजर नहीं कर सकता या स्तवन को देखकर या रुहामा को देखकर खुद को मेजर नहीं कर सकता कि भाई मेरा ग्रोथ इतना है उसका ग्रोथ तो कम है शायद प्रभु ने उसे किसी और चीज में ग्रोथ दिया हो बट ये ग्रोथ होने के लिए सही और गलत का फर्क हमारे अंदर खुद को जांचना बहुत जरूरी है इसी के साथ हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं ये हमारा पहला पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ योर सिन फोकसिंग ऑन द इम्पेटिव महत्वपूर्ण चीज के ऊपर ध्यान देना क्या है अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ योर सिंह

किसी ने कोई गलती कर दी हम उसे कब माफ करते हैं हम उसे तब भी माफ करते हैं जवाब नहीं चाहता हमें पूरा करना है हम उसे तब भी माफ करते हैं जब हमें पता चलता है कि वो सॉरी एक्चुअली सॉरी है यू नो द डे दर्सन उसने कुछ किया होगा मान लो और आपकी तरफ पासा के बोलते यार सॉरी ना यार छोड़ देना यार मैं मैंने कर दिया यार जाने दे यार ठीक है अभी यू विल स्टिल फील बैड दैट इवन इफ द पर्सन इज टेलिंग सॉरी वो सॉरी बोल रहा होगा बट देन आपको फिर भी बुरा लगेगा बट द डे व्हेन द पर्सन कम्स एंड टेल्स आई एम रियली सॉरी यार मुझे नहीं करना चाहिए था एंड व्हेन यू सी द फेस व्हेन यू सी

उसे हम नकार ना पर उस पाप के लिए हम रोए <laughs> को, को you know, एक पैरेलल वे में चल रहे हैं। प्रभु तो चल रहा है हम प्रभु के साथ ही चल रहे बोथ आर वर्किंग टूगेदर अगेन विल कम टू दैट एग्जाम्पल ऑफ जेनेसिस जहां पर वो दोनों एक साथ चलते थे दोनों एक थे प्रभु प्रभु परमेश्वर और प्रभु आदम वो एक थे एक समान थे जिस दिन उनका पाप उनके जीवन में आया दे वेंट टू टू डिफरेंट ट्रैक्स तब भी उसके बाद भी परमेश्वर उनके साथ ही चलता था पर उनके समान नहीं था देर वॉज नो कम्युनियन ये कम्युनियन कब पॉसिबल हुआ वेन लॉर्ड जीजस क्राइस्ट शेड हिस्स ब्लड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलोरी जब क्रूस के ऊपर लहू बहा तब याद है वो समय एक घटना जब हुई थी वो एक स्त्री जो है भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह चल रहा है चल रहे हैं और एक स्त्री जो है इस भीड़ में से निकलकर लड़ झगड़कर वो उनके उसके उनके वस्त्र को छू देती है अगले क्षण में पता है प्रभु यीशु मसीह के शब्द क्या थे उनके शब्द ये है किसी ने मुझे छुआ है वो चेहले देखते हैं और बोलते हैं प्रभु इतना बड़ा भीड़ है लोग धक्के मार रहे हैं और आप बोल रहे हो कि किसी ने मुझे छुआ है द कम्यूनियन प्रभु के साथ एक होना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अलीवर्स लाइफ नो द प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अवर sin अगर हम हमारे पाप की गंभीरता को नहीं देखते ना समस्या क्या आ जाता है वो ये है हम ना बहुत सारे सॉरी हमारे पास रखते हैं हर शाम को आप प्रार्थना करते होंगे और हर शाम को आप बोलते होंगे हमारे पापों के लिए क्षमा देना प्रभु जी बहुत सारे पाप किए आज दिन में क्षमा देना प्रभु जी इज दिस सॉरी दैट लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग इज दिस समली फ्रॉम अस क्या ये सॉरी परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यू नो वेन वी आर नॉट इन दैट ट्रैक विद द लॉर्ड जब हम उस ट्रैक में नहीं है उस, उस एकता में नहीं है परमेश्वर के साथ वी आर एक्चुअली मिसिंग द मार्क वो जो परमेश्वर चाहता है वो चीजें होती ही नहीं है परमेश्वर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है वी आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन वी एक्चुअली बिकमिंग अ न्यू पर्सन सो इफ यू आर बिलीवर इफ यू आर इन गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इफ यू आर स्टार्टेड some सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि आपने पाप करना शुरू किया और आपने अगर महसूस किया अगर आपने गौर किया है उस ऑब्जर्वेशन को अगर आपने रखाया तो आप देखोगे आपने एक पाप किया फिर आपने दो पाप किया फिर आपने तीन पाप किया और वो चल रहा है वो पाप चल रहा है ठीक है और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि वो पाप आपके लिए बड़ा साधारण सा हो गया इट्स वेरी नॉर्मल टू यू नो अब उसके बारे में आपको बुरा नहीं लगता नाउ दैट दैट इज गोइंग लाइक यू नो गोइंग ऑन दूसरे ट्रैक में आप आप परमेश्वर के गीत गेतो, गीतों को गा रहे हो परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे हो सब कुछ चल रहा है बट एक साइड में ये ट्रैक में आप एक नया इंसान ऑलरेडी बन चुके हो पर क्या ये नए इंसान के लिए परमेश्वर चाहत रखता है जो अपने हिसाब से जीना चाहता है नो डेफिनेटली नो राइट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ एंड वेन वी सी मॉर्निंग हमें रोना है हमारे पापों के लिए गंभीर था और उस उसके बारे में जब हम एशिया के किताब उसके सड़सठवें अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है लाल रंग में आप देख सकते हो जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो ऐसे लोगों की जरूरत परमेश्वर को है आप ये शब अगर आपको लिख कर लेना है तो आप ये वचन लिख कर ले सकते हैं समय की कमी की वजह से हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे पर आप देख सकते हो कि प्रभु चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके सामने रहे दैट इज द स्टैंडर्ड दैट ही इज एक्सपेक्टिंग यू नो हम हम अगर एक जानवर पालते हैं तो वी आर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉग और पर्टिकुलर पेट व्हाटएवर वी आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ हम ये नहीं चाहते कि कल उठकर वो हमें पंजा मारे क्या आप चाहते हो नहीं तो

और इसके बाद जो आखिरी है वो देखिए परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है परमेश्वर का शोक परमेश्वर के सामने शोक मृत्यु उत्पन्न नहीं करता वो उद्धार उत्पन्न करता है उद्धार मतलब सैलवेशन प्रोवाइड करता है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने से सैलवेशन दिखाई देगा उद्धार दिखाई देगा जबकि संसार के में शोक बनाने से मृत्यु दिखाई देता है तीसरे वचन में जाएंगे भजन तीस और उसका आठ क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है किनकी परमेश्वर की यह भजन में लिखा है भजन तीस और उसके पांच में उसके दूसरे भाग को जरा देखिए कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचे पहुंचेगा जब हम पाप करते हैं यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने रोए एंड वेन वी डू दैट इट इज इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबेरे होने को है सबेरे मुस्कुराना होगा वो सवेरा जरूर होगा अ डे कम एंड ही टाइम पर उस समय पर क्या हम मुस्कुराएंगे अगर आप विश्वासी हो तो जरूर आप स्वर्ग में तो जाएंगे पर क्वालिटी क्या होगा जाने का वो 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 लेवल क्या होगा जाने का ये सारी बातें हम उस सीरियसनेस में देखते हैं सीरियसनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर सेन

लोगों को ज्ञान बाँटते हैं लोग जब कुछ पूछने के लिए आते हैं तो हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं इत्यादि चीज़ें होती है ना हमारे साथ आ, कुछ कहे तो हम थोड़ा खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे थोड़े टैलेंट में हो आ, मुझे याद है क्योंकि मैं भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ मेरे जवानी के दिनों में जवानी के दिनों में मैं आज भी जवान हूँ ऐसे कोई कमी नहीं है मेरे में बट देन मैं जो कहना चाहता हूँ वही है जब मैं मेरे टीन एज में था लाइक यू नो टर्टीन फोर्टीन टू प्ले गिटार एंड ऑल तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक यू नो चर्च में मैं प्ले कर रहा हूँ तो अरे आई एम समन अबाउ अबाउ अदर्स लाइक यू नो थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है स्टाइल मैं मैं मना नहीं करता जब लोग दस लोग देखते हैं देखते हैं आपको तो ऐसा लगने लगता है कि लाइक यू नो हाँ मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ You know, this is where we lack that gentleness. हूँ देखिए uh, वो, वो कहाँ पर है बंदुआ में तुमसे विनती करता हूँ जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो नाउ वी आर स्पीकिंग something वेरी इंपॉर्टेंट ओके जिस कॉलिंग द कॉलिंग दैट यू रिसीव जिस बुलाहट से आपको बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो मीन उसके योग्य चाल चलो हम हमेशा जब ये पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं करना है नहीं करना है किसी का बुरा नहीं कहना है things, right? so. gentle, उसके योग्य चाल चलो अंडरस्टैंड कॉलिंग जिस बुलाहट से आपको बुलाया गया है उसका दूसरे वचन में ऐसा लिखा है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित सारी दीनता और नम्रता सहित। उसका इंग्रेडिएंट भी वहीं पर ही दिया गया है ये पोलोस के शब्द हैं पोलोस कौन था आप और मैं जानते हैं लेकिन आज के हम जानते हैं उसके कंपेरिजन उनकी पढ़ाई का कंपैरिजन आज करें तो दो तीन पीएचडी लिया है बंदे ने अगर हम ऐसे बात करें तो उनके बारे में वो बंदा ये कह रहा है कि दीनता और नम्रता सहित ना, उसके साथ ही तुम डील करो जो भी डील करना है और साथ में एक और चीज रखो वो क्या है और धीरज धरकर पेशेंस को मिलाकर ये सबको घोल कर पी जाओ धरकर प्रेम से एक दूसरे के को सहलो तो जब है ना कोई ऐसा दिमाग खराब करता हो कलीसिया में ही सही कोई ऐसा हो जो कहे आपसे और आपको कहे तो आपको ऐसा लगे अरे यार ये ब्रदर ये सिस्टर ऐसे कैसे बात कर सकती है नो ये मेरा भाई ऐसे कैसे बोल सकता है अरे यार ये क्यों वचन को नहीं समझता है अरे यार ये ऐसे क्यों हो रहा है यार ये ऐसे मुझे क्यों सता रहे हैं तो उसके दूसरे वचन को जरा वापस पढ़े अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो वो सहलो शब्द मुझे बहुत पसंद है पसंद इन द सेंस मुझे बड़ा रोमांचित करता है मैं सोचता हूँ कि कैसे सोच के लिखा होगा सहलो मतलब पवित्र आत्मा ने क्या वहां पर शब्द दिया होगा सहलो मतलब तुम्हें सहलो तुम्हें सहना है पर दुनिया में कोई इन चार इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी बनाकर सहता है क्या किसी को नहीं सहता हमें कहा गया है कि दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से तुम सह लो विच इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट यू नो वॉट पॉल इज एक्चुअली डूइंग दैट पॉल वहां पर वो वैसे ही कर रहा है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़े उनके बारे में वो दीनता जो है फिलिपीउस उसका दूसरा अध्याय 6 से 8 में पढ़ सकते हैं यू कैन सी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा ही कुड डू इट बट ही डिडंट डू इट इसलिए अगर आप वो दूसरा पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है अगर आप वो पढ़ो ये है ना आपके पास हक है कुछ करने का आप कर नहीं रहे हो This is called gentleness. आप उस इंसान का बुरा कर सकते हो आप उस इंसान को मुंह पे सुना सकते हो आपके पास शायद हक है, 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 ज्ञान सब कुछ है। आप सुना सकते हो कि भाई तू गलत कर रहा है बट वॉट इज जेंटलनेस आई स्टिल रिमेंबर मैं मेरे कॉलेज के दिनों में मैं जब भी प्रार्थना करता था मुझे हमेशा एक ऐसा ये था जिद था कि मैं हमेशा शुद्ध भाषा को इस्तेमाल कर कर मैं प्रार्थना करूं तो कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें ना प्रार्थना करते वक्त जब तुम दिमाग से प्रार्थना कर रहे हो तो सोच सोच के प्रार्थना करते हो जब दिल से करते हो तो ऐसा नहीं होता दिल से जो आता है हन्ना जैसा पहला सौम उसके दूसरे अध्याय में जैसे प्रार्थना कर रही थी या पहले अध्याय में आखिर में जब प्रार्थना कर रही थी जहां पर उस बंदे ने देख लिया था और बोल रहा था कि लेकिन ये जरूर शराब पीकर खड़ी है है ना वो पुरोहित ने देख लिया था तो जब दिल से होता है ना तो अलग रहता है जब दिमाग से होता है सोच सोच के करना पड़ता है तो एक कलीसा के वडील मेरे पास आया और बोला बहुत प्यार से मुझे बिठाया ठीक है उन्होंने मुझसे प्यार से बिठाकर मुझे कहा कि बहुत कुछ ऐसा घुमाया उन्होंने बहुत ही प्यार, प्यार 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 घोल घोल कर मेरे सामने रख दिया और फिर मुझे उन्होंने कहा जो बेटा एक बात क्या ना तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है बट एक सही तरीका और है मैंने उस दिन वो बात तो मैंने उनकी सुन ही ली पर वो मेरे दिल में हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया ये कि भाई किसी को समझाना कैसा है एंड दैट इज वॉट लॉर्ड डिड वो कर सकते थे बहुत कुछ हमारे साथ बट ही वॉज जेंटल वो हमें उनका राइचस उसकी धार्मिकता को दिखाने के लिए वो हमें नरक में डाल सकते थे दैट वॉज द राइट वे है ना क्योंकि लूसीफर ने जब पाप किया पाप सोचा तो उनका करने का काम क्या था मतलब जस्टिफिकेशन वाज टू थ्रो हिम आउट तो वो उन्होंने कर दिया हमारे बारे में जब बारी जब आई ही वाज चूजिंग नॉट टू गिव दैट व्हाट वी वर डिजर्विंग सो नाउ टेल मी इफ यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग हमें अगर फोकस करना है किसी चीज पर जो इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है वो ये है कि we need to have that same किसी को सजा देने से पहले किसी को कुछ बुरा भला कहने से पहले किसी के बारे में हमारे जिंदगी का कंट्रोल खुद में ले लेंगे फिर प्रभु को प्रभु की हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं है फिर तो हम ही चला रहे हैं हमारी गाड़ी है कि नहीं दूसरा है डिसीशन जो, जो है ना बिल्कुल सोची समझी नहीं होगी और लाइफ स्टाइलनाइज हो जाएगा इसके बारे में आप जरा सोचना कि लाइफस्टाइल किस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से निर्णय जो है उसमें कैसे समस्याएं आएंगे हमारे जिंदगी जीने का शैली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा ये आप अपने समय पर अकेले बैठकर सोचना कि Uh, ये ह्यूमिलिटी या जेंटलनेस रखने से या सज्जनता नहीं रखने से किस तरह मुमकिन होगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस इन है लाइफ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी आर वेरी लेस टाइम सो विल जस्ट रश डिजायर टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एक इंसान के जीवन में एक विश्वासी के जीवन में एक जरूरत अगर उसे पूरा करना है तो वो क्या है इट इज टू गेन द नॉलेज फ्रॉम द वर्ड हम जो शारीरिक इंसान है हमारा फिक्स होता है क्या होता है सुबह रात को जब सो रहे हैं सुबह उठ रहे हैं सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद हमारा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी का या लाइक यू नो नेसेसिटी है हमारी जिंदगी का वो ये होता है कि हमें खाना खाना है नाश्ता करना है सुबह का नाश्ता करना है हम उसके नाश्ता करने के बाद हम काम वाम पे लग जाते हैं उसके बाद फिर हम दोपहर तक फिर से सोचना शुरू कर लेते हैं यार खाना खाना है अभी यू you नो know, और उसके बाद फिर एक बार खाना खा लेते हैं फिर दिन शाम का काम काम कर, खत्म करने के बाद रात को फिर से हम खुद को प्रिपेयर करते हैं कि हम खाना खा लें आवर फिजिकल बॉडी रिक्वायर्स दैट फूड इज इट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पिरिचुअल बॉडी टू हैव दैट फूड आल्सो क्या हमारे आत्मिक शरीर को उसकी जरूरत नहीं है खाने की जरूरत नहीं है वेल well, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं भजन Uh, बयालीस और उसका दो सैम टू यू कैन नोट इट डाउन और उसके सी में ऐसा लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर, uh, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ भजन लिखने वाला कहता है कि मैं प्यासा हूं मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा दैट इज द लॉन्गिंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड शुड हैव जब हम मत्ती उसके छठे अध्याय में आते हैं उसके तैतीसवें वचन में पढ़ते हैं इस तरह लिखा है इसलिए पहले तुम उसे उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइक यू नो बीइंग विद द गॉड वी आर ऑफेंट बिहाइंड द वर्ल्ड हम अक्सर दुनिया के पीछे हो लेते हैं एंड लॉन्गिंग फॉर दैट हम दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हैं नाउ टाइटल हैं, उसके ऊपर लगाए या ध्यान हमारा ध्यान आज पर है? भले ही वो मीटिंग के संबंध में हो भले ही वो परमेश्वर के शास्त्र के पढ़ने के संबंध में हो भले ही वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के संबंध में हो वी ऑलवेज है

उस 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 इम्पोर्टेंस के बारे में तो दैट ऑलवेज देयर के लाइक यू नो तुम किसी और चीज को इम्पोर्टेंट मानते हो एंड लाइक यू नो आई स्टिल रिमेम्बर आई टोल्ड वन डे के भाई वह uh, जाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर डांटेंगे एंड ही वॉज लाइक यू नो कुछ नहीं कुछ नहीं होता कोई नहीं डांटेगा एंड वॉज लाइक यू नो नहीं नहीं इतना सीरियस चीज़ है like, you know, No, so, राज्य और धर्म की खोज करो, और करो तो ये सारी तुम्हें मिल जाएंगी आई एम वेरी श्योर आज मैं बहुत श्योर sure हूं कि उस दिन का एक क्लास मेरे जिंदगी को किसी भी तरीके से बदलने वाला नहीं था वो जैसा था वैसा ही रखने वाला था पर शायद वो एक दिन चर्च अटेंड करने की वजह से जो गुण अलग या जो शांति या जो असर आज मेरे जीवन में है वो बिल्कुल अलग है एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आर देयर इन योर लाइफ आल्सो आपको पता है वो इट इज वेल विथ माय सोल हम जानते हैं हेरिटोस पैफोड वो जो व्यक्ति है उनके जीवन की कहानी मैं 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 जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इट इज वेल विथ माई सोल उन्होंने जो सुंदर गीत लिखा वो उन्होंने कब लिखा उनके परिवार को खोने के बाद एक ऐसा समय आया जब वो उसी ना उसी उसी जहाज से उसी यात्रा में हो रहे थे वो सागर के किनारे महासागर के बीच में आए जहां पर उस कैप्टन ने उन्हें बताया कि आपके परिवार आपका परिवार यहीं पर ही डूबा था ही केम बैक एंड देन मैनी गोट इज नेक्स्ट डॉटर उस टाइम पर उन्होंने ही पेन डाउन दिस वर्ड्स एंड ही सेड दैट इट इज वेल विथ माई सोल

अब ये कोरोना जिसको लगा जिसको सिम्टम्स नहीं है वो क्यों उसको सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है? Because he is eating a good food, his immunity is good. Same was the funda with this guy. इस बंदे का वो इम्यूनिटी उतना ही स्ट्रॉंग था. If you are hungry and thirsty only then you are satisfied. You have you are filled with the strength. You are filled with the energy. अगर ऐसा ना हो, you won't be fitting in that scenario. अगर ऐसा ना हो यू विल बी अनसेटिस्फाइड विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग योर लाइफ हम हमेशा याद है नो, पुराने नियम में जब मिस्र से निकलकर परमेश्वर के लोग जब कनानी देश की यात्रा में थे वो बार बार कुड़कड़ा रहे थे उसमें कुड़कुड़ाने वाले कौन लोग नहीं थे वही लोग थे जो परमेश्वर के करीब थे बाकी सारे कुड़कड़ाने ही वाले लोग थे दे वेर ऑल मर्मरिंग

पढ़ाई नहीं है अगर हमारे अंदर वो शास्त्र नहीं है हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी चीज के बारे में अगर आपको पता है like you know, एक, एक जगह के बारे में आप पहले से जानकारी रखते हो तो आप जब उस जगह पर जाओगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाता है हाँ यहाँ के लोग इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं वहां के लोग इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं क्योंकि आप पहले से जानकारी रखते हो द प्रोसेस बिकम्स इजी फॉर यू हम कई बार ये सवाल पूछते हैं लाइक like, यू you नो know, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे समझ पाए द क्लियर कट आंसर इज लर्न द वर्ड ऑफ गॉड जब प्रोसेस होना शुरू होगा ना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दिस इज द विल ऑफ गॉड और दिस इज नॉट एंड द बेस्ट आंसर इज स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एंड दैट इज वॉट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर द नेक्स्ट पॉइंट मर्सी दया बलिदान नहीं वे नॉट टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस सी इफ यू गो टू मैथ्यू चैप्टर सिक्स ट्वेल्व अगर मत्ती उसका उसका अध्याय और वचन देखें वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं मतलब प्रार्थना का वो शब्द इस प्रकार बताया गया है उदाहरण में कि हमने तो माफ कर दिया है दैट्स अ मर्सी

इट शुड बी से बलिदान होता है ये मैं समझता हूँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा प्यार के वजह से ही बलिदान हो अगर आप दस सैनिकों को ले लो सैनिकों को जो देश के सीमा पे लड़ रहे हैं दस में से शायद कुछ लोग ऐसा भी कहे कि हमारा काम है ये इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं काम के दौरान गोली लगने पर वो शहीद हो जाएंगे उसमें से शायद एक या दो ऐसे हो जो जी तोड़ अपने देश के लिए लाइक यू नो प्यार करते हैं मैं ये नहीं कहता कि वो बाकियों के जीवन में प्यार नहीं है वो प्यार है इसलिए उन्होंने वो काम लिया बट इट शुड ओनली बी द लव बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्चुअली गिविंग जब हम भजन उसका 28 और उसके 6 में आते हैं देखो वहां पर क्या लिखा है यहोवा धन्य है ठीक है ये परमेश्वर का करनी है हमारी तरफ यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गड़गड़ाहट को गिड़गिड़ाहट को सुना है ही हैज हर्ड मी नाउ टेल मी एवरी टाइम यू क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड यू आस्क इन फ्रंट ऑफ गॉड जब भी हम प्रार्थनाएं रखते हैं इफ इट इज नॉट मर्सी अगर वहां पर दया नहीं है तो क्या आपको और मुझे कोई भी जवाब मिलेगा यू हैव answered इट अगर आपने खुद को जवाब ना दिया है तो वो सही है आपके और मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको परमेश्वर को जवाब देना ही पड़े हाँ प्रभु तेरे को जवाब देना ही पड़ेगा नहीं इट इज आउट ऑफ द ग्रेस दैट ही व्हेन वी कम टू मार्क 5:19 जब हम मरकोज uh, उसका पांचवे अदर उसको उन्नीस वचन पढ़ते हैं लिखा है परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता अब देखिए क्या लिखा है कि तुझ पर दया कर कर प्रभु ने तेरे लिए कैसा कैसे बड़े काम किए हैं आपके और मेरे जीवन में यही बड़े काम हो रहे हैं और अगर जब हम ये चीज पॉसिबल नहीं करवाते हम ये मर्सी नहीं रखते हैं देन इट बिकम्स लाइक अ बिजनेस डील i have done something to you you should do something to me see when we see lord jesus christ his uh, death on the cross of calvary जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं उनका मृत्यु कलवरी के क्रूस पे 100% सैक्रिफाइस था 100% दया था वो सैक्रिफाइस है इसलिए वो वापस हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दया है इसलिए वो हमें मिला है जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया अगर एक सैनिक मरता है तो गवर्नमेंट इज गिविंग समथिंग इन रिटर्न दैट इज वाई सेक्रीफाइसेज आर देयर अगर हम पुराने नियम देखें ऑल द सेक्रीफाइसेस वेर गिवन फॉर समथिंग एंड व्हेन द सैक्रीफाइसेस वाज डन द लॉर्ड वाज गिविंग द फॉरगिवनेस आई एम टेलिंग मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलिदान बुरे हैं मैं ये नहीं कह रहा पर मैं यह कह रहा हूं कि परमेश्वर दया हमसे एक्सपेक्ट करता है क्योंकि उन्होंने हम पर दया किया एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू प्यूरिटी ऑफ हार्ट समय थोड़ा सा जल्दी जा रहा है इसलिए मैं जल्दी से आगे लेकर जाना चाहता हूं प्यूरिटी ऑफ हार्ट सिंगलनेस ऑफ द हार्ट टूवर्ड्स अ लॉर्ड जिसमें छल नहीं हो कपट नहीं हो यू you नो know, आपको पता है नए नियम में सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह हर बार स, फरिसी और फिर से जब उनका मुठभेट होता था उनकी बातचीत होती थी हर बार ये हिपोक्रेसी जो वर्ड है जो 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 ठगने का जो आ, मनसा है दिमाग के अंदर वो उठकर उनका सामने आता था दे ऑलवेज क्वेश्चन गॉड दे ऑलवेज ट्राई टू ट्रैप गॉड वो सबक के बारे में पूछते थे वो पूछते थे कि विधवा शादी किससे करेगी इसके बारे में पूछते थे उन्होंने कभी भी उनमें से एक ने भी आके एक को छोड़कर निकोदमस को छोड़कर उसमें से एक भी आकर उनसे उनके जीवन के बारे में सवाल नहीं पूछा उन्होंने हमेशा उनको ठगने की कोशिश की अगर आप उनके सवाल देखोगे तो बड़े ही थियोलॉजिकल क्वेश्चन थे तो उसमें कोई कमी नहीं थी

coming to the second last point sharing of gospel I guess I have 10 minutes more so sharing of gospel gospel is a important factor we know that right sharing of uh, important factor ka matlab kya hai? परफेक्ट हमें पता है दूसरा तिमोती उसके तीसरे अध्याय उसके सोलह वचन में हम जानते हैं कि वचन तो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है उसे हमें दिया गया है ताकि वो हमारा सुधार में इस्तेमाल कर सके मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप सबको पता होगा इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे बट क्या आपको पता है कि परमेश्वर का शास्त्र ये कहते हैं जो आपके स्क्रीन में अब दिख रहा है पहाड़ों पर उसके पाव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं Do you understand, are you understanding this word? अगर आपके पास इंग्लिश पे बोले तो आप देख सकते हो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वो जो पहाड़ों पर चलते हैं जिनके पाओ जमीन पे गिरते हैं पर वो जो शुभ समाचार लेकर आते हैं शुभ समाचार लेकर आते हैं मतलब दोज द गॉस्पल आ ब्यूटिफुल लॉर्ड लवस ब्यूटी नॉट द फिजिकल ब्यूटी बट द स्परिचुअल ब्यूटी परमेश्वर खूबसूरती का पहचानने वाला है हम उनके बारे में पढ़ते हैं जब स्वर्ग में हम जाएंगे स्वर्ग खूबसूरत रहेगा उसका 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 उदाहरण कैसे दिया है जो जो सोने चौखे सोने का वो सड़क होगा फिर उसके पिलर्स होंगे स्तंभ होगा ये सब एक्चुअली कैसे होगा ये हमें नहीं पता बट देन वॉट वी अंडरस्टैंड ये सारी बहुत खूबसूरत होंगे ही एक्सपेक्ट अस टू बी ब्यूटिफुल और वो खूबसूरती हमें पाउडर क्रीम हमारे बाल हमारा पहरावा हमारा उस पे से नहीं आने वाला Obviously, हमें हमें अच्छे तरीके से कैरी करना ये दूसरी बात है बट ये खूबसूरती हमारी बाहरी वेशभूषा से नहीं आने वाला ये अंदरी हृदय से आने वाला है एंड और इज एशिया का किताब उसका uh, 52 टू चैप्टर उसका 7 वचन कहता है केवल इतना ही नहीं उसका वो चैप्टर 48 में जब हम आते हैं और उसके वचन को बा, बाईसवें वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस तरह लिखा है फैलाने के बारे में दृष्टि को सॉरी दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं युवा की का यही वचन है तो ट्रू पीस कहाँ पर मिला जाता है इट इज फाउंड इन गॉड हिमसेल्फ नॉट इन विकेडनेस इस संसार में जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा कि हर जगह पर समस्या ही समस्याएं हैं, हर जगह पर तकलीफ ही तकलीफ है हर जगह पर कठिनाई है बट यू एंड मी डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ ईवलनेस क्या हम दुष्टों के कैटेगरी में गिरते हैं अगर गिरते हैं तो मैं नहीं जानता अगर आपने उद्धार करता करके प्रभु को स्वीकार किया है देन यू डोंट Then you need to have that peace inside. And how will that come? It will come only through sharing the gospel with the people. You need to get out. You need to speak, shamelessly say it. Bina sharam ke, bina jijak ke, bas bolo. किसी के मन में ऐसे डालने की कोशिश मत करो वो तुम्हारा और मेरा काम नहीं है क्योंकि पवित्र शास्त्र पहले को उसके दूसरे तीसरे अध्याय में ये बस स्पष्ट रूप में कहता है में से कोई कहता है कि तुम पुलुष के हो तुम पत्रस के हो नहीं ये सब तुम्हारा और मेरा नहीं है ये सुसमाचार भले ही तुम बोल रहे हो पर तुम्हें उस सुसमाचार का ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें बस सुसमाचार बताना है परमेश्वर अपना काम करेंगे यू विल लुक ब्यूटिफुल and that is what is what important in front of God. You need need to look beautiful and that beauty comes from sharing the gospel. and if you don't do it, you become apathetic. there is no emotion then. आप इमोशनल नहीं हो परमेश्वर के लिए आप इमोशनल नहीं हो परमेश्वर के लोगों के लिए उनके मरने के लिए यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज दैट शोज लिटरली आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है मुझसे सोच समाचार नहीं बोला जाता क्यों क्योंकि मुझे पता ही नहीं है सामने वाला कुछ पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको लैक ऑफ नॉलेज एज्केल के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसे एक आत्मिक चौकीदार की तरह उन्हें रखा था एज्क्केल उसका अध्याय उसके दो से नौ में जब हम पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं कि देर ब्लड वुड बी ऑन योर हैंड्स अगर तू उन्हें सही रहा नहीं दिखाएगा तो उनका लहू किसके हाथों में होगा तेरे हाथों में होगा वही हम पहले कुरंती उसके तीसरे और उसके बारह से लेकर पंद्रह में पढ़ते हैं जब हमारा न्याय किया जाएगा विश्वासियों के न्याय किया जाएगा वो जलती हुई आग पे किया जाएगा तो सोच लो अगर जलती हुई आग पे किया जाए मतलब आप और मैं हमें दोनों को सोचना है अगर जलती हुई आग पे किया जाएगा तो कितना चीज़, कितने चीजें बच जाएंगे वे गेट द पीस क्या टेंशन हो रहा है उस जमाने के लिए उस समय के लिए जब स्वर्ग में सभी लोगों के पास कोई ना कोई मुकुट होगा और हमारे पास नहीं होगा तब थोड़ी सी बेजती शायद मेरे पास कुछ भी ना हो सो दिस इज वेयर यू नीड टू फाइंड द पीस दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड आखरी आठ पॉइंट में था दिस पर फॉर गॉड परमेश्वर के लिए सताव सहना इट इज नॉट अबाउट बींग गुड अच्छा इंसान बनने के बारे में नहीं कहा गया है यहाँ पर अच्छा इंसान तो हम सब हो सकते हैं दुनिया में बहुत सारे अच्छे इंसान है बहुत सारे अच्छे लोगों के बारे में कहा भी गया है इट्स नॉट अबाउट अच्छा इंसान इट अबाउट मोर देन गुड पर्सन ये अच्छे इंसान से भी ऊपर जाने की बात की बात गई है है उसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को ही फोकस 5 14 16, जब उसका चौदह और सोलह चौदह पंद्रह और सोलह वचन पढ़ते हैं ऐसा देखा गया है कि लिखा है कि हाई विजिबिलिटी मतलब तुम जगत संसार के प्रकाश हो तुम जगत का नमक हो इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है सी इफ यू आर गुड पीपल विल रिक्नाइज यू विल नो यू हाँ अच्छा इंसान है वो बट आपको याद रखने के लिए यू हैव टू बी अबाउ दैट एंड वॉट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन गॉड सी टेल मी दिस थिंग इमेजिन दिस संसार भर में क्रिस्टियनिटी जो गॉस्पल शेयरिंग है लोगों ने हर कल्चर ने उसे हमेशा रोकने की कोशिश की है किस लिए आज भी जब आप देखोगे none of the Christian organization is working to like you know uh, to do anything like कोई हार्म करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है पीटने की कोशिश नहीं कर, कर रहा है किसी को किसी प्रकार का पीड़ा देने की कोशिश नहीं कर रहा है they are just trying to the good ones i'm telling okay, the one which is in God, they are just trying to share the gospel. वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को बताना चाहते हैं बट स्टिलर आर पीपलबल शेयर जो दिख रहे हैं वो परमेश्वर के बंदे हैं ये पता चल रहा है इसलिए उसने उसे नीचे, नीचे गिराना बहुत जरूरी है शैतान के लिए शैतान के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए भले ही वो किसी को पीड़ा नहीं दे रहे होंगे वो शायद अच्छा ग्रह के बारे में सुन लीजिए आजकल आप मदर टेरेसा से बात करेंगे तो वो लोग उनको भी गाली दे रहे हैं मैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर में इवन वो अच्छे काम क्यों ना कर रहे थे बट फिर भी लोग उन्हें गालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं या उनकी बातें करते हैं क्यों बिकॉज दे वे विजिबल गेटिंग परसिक्यूटेड फॉर गॉड फाइंडिंग फाइंडिंग पेन फॉर द लॉर्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो क्रिस्टियनिटी इज नॉट अ रिलीजन मसीहत जो है वो एक रिलीजन नहीं है uh, आप हर रिलीजन के बारे में ये एक वर्ड सुनोगे लोग कहेंगे हमारे धर्म का बचाव के लिए हमें खड़ा रह, खड़े रहना होगा आप क्रिस्टियनिटी के लिए कहीं पर भी ये नहीं सुनोगे कि वी नीड टू सेव आवर रिलीजन आवर रिलीजन इज गेटिंग क्या बोलते हैं um, लुफ्त हो रहा है वो वो जा रहा है वो वो खत्म हो रहा है यूर सी दैट यूर हियर दैट क्योंकि जो क्रिस्टियन Christian, क्रिस्टियानिटी है जो क्रिस्टियन है जो क्रिस्टियन Christian, क्रिस्टानिटी को फॉलो नहीं करते हैं उनको कोई कुछ पड़ी नहीं है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड वन हु इज फॉलोइंग द क्रिस्टियनिटी केयर अबाउट द रिलीजन बिकॉज दे नो इट इज अ प्रैक्टिस आप और मैं तभी क्रिस्टियन बनते हैं जब हम ये पिछले लिखे हुए आठ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और जब हम इन फॉलो पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तब हम एक मसीही बनते हैं एंड वेन वी टर्न टू बी अस्टियन एट दैट टाइम क्रिस्टियनिटी झलकना शुरू हो जाता है हम विजिबल होना शुरू करते हैं लोगों के सामने हम बड़े दिखने शुरू करते हैं एंड द फर क्योंकि आज हमारे देश में कहते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं नोवन इज कन्वर्टिंग नोवन इज कन्वर्टिंग वी आर शेयरिंग द गॉस्पल परमेश्वर का वचन में लिखा है जो नहीं सुनते वहां से धूल झटका और निकल जाओ

हम प्रैक्टिस करते हैं आपको और मुझे ये प्रैक्टिस करना है ये क्रिस्टियनिटी को प्रैक्टिस करना है किसी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करना रिलीजन में पहला पत्र उसके पहले अध्याय के अठारह वचन से जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि उस रूढ़ी परंपरा को जिसको तुम ले आए हो उसे छोड़कर एक नए जिंदगी को पाओ उस रूढ़ी परंपरा को छोड़ दो लीव द राइट्स एंड द रिचुअल्स वो रिचुअल्स और राइट्स कहां पर है पता है रिलीजन में है प्रैक्टिस में नहीं है क्रिस्टियानिटी इज अ प्रैक्टिस वी आर फोकसिंग ऑन द गॉड सो लेट द क्वेश्चन बी क्लियर देन वट इज और वेयर शुड आवर फोकस बी हमने आठ पॉइंट्स को देखा बट लेट आर फोकस बी ऑन द गॉड बिकॉज वेन इट इज ऑन द गॉड ऑन हिम अल दिज एट पॉइंट आर गेटिंग क्लियर और मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये सारी चीजें जो है ये परमेश्वर या ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है और इसलिए अगर आप ये देखो हमने इनसाइट की बात की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिन की बात की अगर आप पहला टेबल देखो तो जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट की बात की डिजायर टू तो स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन पढ़ने की बात की हमने दया की बात की हमने प्योरिटी ऑफ द हार्ट की की की, स्वच्छता बात हमने फैलाने की बात की और हमने परमेश्वर के लिए सताव सहने की बात की हमने अंतरदृष्टि से यह समझा कि हम आत्मा में दरिद्र है हमने पाप के बारे में ये पढ़कर यह समझा कि हमें उसके लिए रोना है उसमें सीरियस होना है हमने जेंटलनेस ने यह पढ़ा कि हमें किस तरह वी नीड टू गेट इन दैट नम्रता वी मीक होना है हमें पढ़ाई परमेश्वर के शास्त्र पढ़ने से हमने ये पढ़ा कि हमें धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होना है दया से हमने ये पढ़ा कि उस दया भावना को हमें मन में लेकर आना है प्योरिटी ऑफ द हार्ट से हमने ये पढ़ा कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए शेयरिंग ऑफ द गॉस्पल से हमने ये पढ़ा कि हम शांति के दूत बनते हैं क्योंकि सुसमाचार शांति देता है एंड परमेश्वर के लिए सताव वो धार्मिकता में सहते हैं अगर आप उसके बाद का टेबल पढ़ोगे तो वहां पर उसका फायदा लिखा हुआ है द पुअर इन स्पिरिट देर इज किंगडम ऑफ हेवन दैट मॉन्ड दे कम्फर्टेड द मीक They shall, they shall inherit the earth. They which do hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. The merciful, they shall obtain mercy. The pure in heart, they shall see God. The peacemaker, they shall be called the children of God. They which are persecuted of righteousness' sake, there is the kingdom of God. Hindi Bhajanter liye Up simply Mattiraji Susa Machar, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा, नौवा और दसवा वचन ये वो शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठकर सबको सुनाया जिसकी गवाही पूरी दुनिया देती है लोग उसे बियाटिट्यूड्स ऑफ बियाटिट्यूड्स कहते हैं पहाड़ी uh, प्रचार के रूप में वो प्रसिद्ध है दीज आर दो इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट लॉर्ड गॉड टोल्ड to his disciples और जब भी उन्होंने ये कहा सबके सामने एक शब्द उन्होंने लगा लगाया धन्य है वो धन्य है वो धन्य है वो blessed are the pure in spirit blessed are the merciful blessed are the pure in heart when he said each and every word he said blessed word and every word is written in Matthew chapter 5 verses 3 to 10 these are the important points that he is expecting in our life hamare jeevan mein ये ये चाहते हैं कि ये वर्ड्स ये ये कार्य मुमकिन हो मैंने एक चीज कहा था आपसे माफ करना मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया मैं सच में माफी चाहता हूं आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एरोज लगे हुए हैं एक इंसान का आत्मिक जीवन में बढ़ना ये एरोज के ऊपर डिपेंडेंट है द मोर यू गेट इन साइड द मोर यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ योर सिंह द मोर यू अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ योर सिंह द मोर यू हम्बल योर सेल्फ जेंटल योर

महत्वपूर्ण है ये बातें क्योंकि जिस दिन हमें चुना जाएगा कि हमें उनके लिए मरना है मारना नहीं है किसी को मरना है क्योंकि हमारा शास्त्र कभी मरने के लिए कोई मौका ये नहीं बोलता दैट ही शुड डाई सो ओके ओके आई that अ मैसेज दैट देर इज नो एरो बट एरो इनसाइट से में। में मेरे स्लाइड दिख रहा है। के बाद आप देख सकते हो ये जाता है तो वो चक्र इस तरह चलता है सो वी नीड टू नो दिस होल थिंग सो दैट दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नो सो दैट वी कैन लिव अ लाइफ इन गॉड दैट इज इट फॉर टुडे